हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज जो अपडेट आपके सामने लेके आए हैं पीसी ज्वेलर्स है। पीसी ज्वेलर्स में देखेंगे आप 82.80 की क्लोजिंग दिखाया है कल के दिन में, 24 दिसंबर को। आप एक चीज़ देखेंगे, एक हाई इसने बनाया टुडे, जो कल का पोजीशन था, लो बनाया 80.60 और 84.20 का हाई बनाया, और 84 का हाई बनाने के बाद वो वापस नीचे की ओर आ गया, 82.80 का पे क्लोजिंग दिया। वॉल्यूम आप देखिए रहे, 2 करोड़ का वॉल्यूम हो रहा है, 2 करोड़ के एवरेज वॉल्यूम पे चल रहा है, तो वॉल्यूम तो अच्छा दिखा रहा है। और थोड़ा हमारा प्राइस, वेटेड एवरेज वॉल्यूम प्राइस भी देखेंगे तो अच्छा दिखा रहा है। फिर भी इसमें एक नडी यहाँ पे प्राइस वॉल्यूम भी आपको दिखा दूँ तो आप देखेंगे थोड़ा 50 पैसे से ज़्यादा, 30 पैसे से ज़्यादा अच्छा क्लोज हुआ है। वेटेड एवरेज वॉल्यूम 82.81 का बता रहा है, 51 का, लेकिन क्लोजिंग हो रहा है 82.80 पे, तो 30 पैसे से ज़्यादा की क्लोजिंग पे दिखा रहा है। डिलीवरी परसेंटेज चलेंगे अगेन तो वही 7% पे है, 7 से 9% घट गया, अभी पहले 10 था अभी 7 आ गए। तो ट्रेडर अपनी पोजिशन धीरे धीरे इसको डायल्यूट कर रहे हैं, तो कोई चाहे इसको तो एक बार आप तो ये दिखा दिया, मैं कहूँगा इसको 85 का एकदम नियरेस्ट आपको बताता हूँ, 85 का स्टॉप लॉस लगा के, 85.50 का स्टॉप लॉस लगा करके चाहें तो आप इसमें शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। मेरे अंदाज से ये आपको 77 पहला टारगेट और 72 दूसरा टारगेट भी दिखा सकता है। आज 25/12/2018 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये डेट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये वीडियो आप बाद में भी देख सकते हैं, पहले भी देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो होते हैं इसके कारण। इसका रीजन क्या, शॉर्ट मारने का रीजन सिर्फ एक ही मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ट पे आप देखेंगे तो जब मैं इसको डेली बेसिस पे देख रहा था तो एक इनडिसिसिव चार्ट बनाया है इसने, और ये देख करके मुझे लगा कि ये जो एक यहाँ पे इनडिसिसिव जैसा पोजिशन यहाँ पे इसने बनाया है तो यहाँ के बाद थोड़ा सा एक ऐसा लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पे आपको फॉल, यहाँ पे एक फॉल का पैटर्न बना सकता है। तो सिर्फ यही एक पॉइंट था जिस पे मैं इनडिसिसिव कैंडल के चक्कर में ये मैं लेके आया था कि मुझे लगा कि यहाँ पे इनडिसिसिव कैंडल बनाने से हो सकता है कि चूंकि ये अप ट्रेंड में दिखा रहा था रिसेंटली आप देखेंगे तो ये अप ट्रेंड में दिखा रहा था, फिर यहाँ पे आप देखेंगे स्टेग्नेंसी दिखाया, और ATR पे भी जब मैं इसको देखने की कोशिश कर रहा था चार्ट पे, ATR पे भी देखेंगे तो ये एक अप ट्रेंड लेके अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहा और अब ये नीचे की ओर थोड़ा पैटर्न बताने की कोशिश कर, शायद ऐसे मूव ले सकता है। तो बहुत बड़ा तो अभी कुछ होगा नहीं, आपको पहले बताया कि इसमें बहुत जल्दी इतना चेंज नहीं आएगा, तो कोई इसको अगर शॉर्ट मारना चाहते हैं, अगर शॉर्ट मार के इंडिसिसिव कैंडल है, इंडिसिसिव कैंडल तब बनता है जब बायर सेलर दोनों स्ट्रांग होते हैं, उनको खुद नहीं पता रहता है कि ऊपर ले जाना नीचे ले जाना है, बायर ऊपर ले जाता है सेलर नीचे ले जाता है, तो कोई स्ट्रांग नहीं है। कल के डेट का जो पैटर्न है उसमें कोई भी स्ट्रांग नहीं दिखा, इंडिसिसिव कैंडल बना, और इस पैटर्न को देखने के बाद जनरली जो होना चाहिए वो डाउनसाइड होना चाहिए। ऐसा जो कैंडल बना है, कैंडल के प्रीवियस सारे कैंडल के पैटर्न को देख के समझ में आता है कि इसको शायद डाउन की ओर फॉल होना चाहिए। तो 77 के टारगेट के लिए कोई चाहें तो इसमें पोजिशन बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म, ये सारा शॉर्ट टर्म व्यू है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको बाइंग करना है, इसमें शॉर्ट टर्म व्यू है ये। तो अगर कोई चाहें तो 85.50 के स्टॉप लॉस, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस है क्योंकि ये चल कहाँ पे रहा है, 82.80-83 पे चल रहा है, सिर्फ 2.5 रुपये के स्टॉप लॉस से चाहें तो कोई आप इसको शॉर्ट मार के 77 फर्स्ट टारगेट के लिए आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। इसका एक भी और रीज़न है कि बॉलिंगर बैंड्स के आप देखेंगे तो सारे अपर रेंज को ये क्रॉस कर रहा था, बट ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है जो कि यहाँ पे इसका बॉलिंगर बैंड 89.78 है, और अब ये धीरे धीरे बॉलिंगर बैंड के अपर रेंज को छोड़ते हुए नीचे रेंज को टच करने की कोशिश कर रहा है जो कि 73 भी दिखा सकता है आपको, और अगर ये फॉल करेगा तो फिर नीचे 63 वहां तक कोशिश करेगा ये। अगर मैं इसको कॉमोडिटी चैनल पे भी देखो तो आप देखिए ये कॉमोडिटी चैनल में भी ये देखिए ये नीचे के डाउन तक सैडिस एरिया में ऑलरेडी इन कर चुका है, तो जो लीडिंग इंडिकेटर होता है जिसको बोला जाता है CCI को, अब इसमें भी देखेंगे तो पैटर्न नीचे की ओर बना चुका है। तो इन सब इंडिकेटर को देखते हुए और चूंकि एक इंडिसिसिव कैंडल यहाँ पे बना है, ये देखिए इंडिसिसिव कैंडल बना है, इसके चक्कर में कल कोई डिसीजन आपको देखने को मिलेगा कैंडल पे। तो प्राय ये पॉजिटिव ट्रेंड में था
और यहाँ इंडिसिसिव पैटर्न रहा और कल इंडिसिसिव कैंडल बना है, तो चांसेस है ये किसी एक और तो ब्रेक देगा, जिस और देना होगा इसको ब्रेक कल देगा, दोनों में से किसी एक और दे सकता है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। लेकिन प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए और एक स्टॉकिस आरएसआई को भी आप देख लीजिए, सीसीआई को भी देख लीजिए, एमएससीडी भी देखिए, यहाँ से एक थोड़ा सा अप तो नहीं दिखा रहा, थोड़ा झुका हुआ ही दिखा रहा है, और यहाँ जो कैंडल देखेंगे मिडिन के नीचे ये कैंडल क्रिएट हो रहा है, तो ऐसा दिख रहा है कि एक शॉर्ट पैटर्न बनेगा। तो 8550 के टारगेट से, स्टॉप लॉस से, आप इसको 77 के टारगेट के लिए चाहें तो इसमें शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। ये सारे पेपर ट्रेडिंग के लिए और एजुकेशनल पर्पज से है, कोई भी पोजीशन मार्केट में डायरेक्ट नहीं बनाए, सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करें। डेरिवेटिव में भी एक पोजीशन बन रहा है, तो आपको मैं यहाँ पुट है, ये कॉल है 8225 का, 24 दिसंबर का है, तो आपको यहाँ पे भी क्या देखने को मिलेगा, देखिए 85 एट द मनी जो है 8285, तो आप 82.75 है तो 85 एट द मनी में देखिए कॉल राइटिंग हो रहा है 37,500 का, और सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 15,90,000 का यहाँ पे जुटा हुआ है। इसका मतलब ये 85 तो क्रॉस करने वाला नहीं है ऐसा दिखता है, और क्या अभी तो 90 क्रॉस नहीं करेगा, तो 85 मोस्ट प्रॉब्ली इसका हाईएस्ट रेंज है। और नीचे की ओर आप देखेंगे सब जगह अनवाइंडिंग हो रहा है, पुट के साइड में अनवाइंडिंग हो रहा है, तो ऐसा दिख रहा है, और इसमें बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। अगर नीचे की ओर फॉल चालू किया तो एकदम कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ओपन इंटरेस्ट 3 लाख का है, 1 लाख का है, 3 लाख का है, लेकिन कॉल की ओर में आप ज़्यादा है, 15-16 लाख का है, 12 लाख का है, 8 लाख का है, तो कॉल की ओर ऊपर चढ़ने में इसको तकलीफ हो सकता है, पुट की ओर फ्री फ्लो जा सकता है। तो इन सब पैटर्न से, और चूंकि कल इंडिसेसिव पैटर्न बना, तो इसलिए मैंने ये वीडियो लाया आपके लिए, और मुझे लगा कि शायद एक फॉल दिखा सकता है यहाँ से 77 के लिए, तो कोई भी है तो इसमें एक शॉर्ट पोजीशन चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही। ये सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए है और एजुकेशनल पर्पज से है, ये चैनल ही सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।